गोवर्धन विधानसभा के अंतर्गत आन्योर गांव में स्थित सामुदायिक उपकेंद्र को ग्रामीणों और सफाई कर्मियों द्वारा डलाब घर बना दिया गया है। इसी सामुदायिक केंद्र के पास एक प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे इस गंदगी का सामना करते हुए प्रतिदिन नजर आते हैं। वहीं जब मीडिया की टीम ने समाज सेवी भूरा पहलवान से बात की तो उन्होंने कहा कि कभी कभी बच्चे इस गंदगी में गिर भी जाते हैं और इस गंदी बदबू की वजह से आसपास के लोग और राहगीर काफी परेशान हैं। वहीं पास ही बने लाखों रुपए की लागत से बारात घर की भी स्थिति यूं ही नजर आ रही है। जैसे कि बताई गई कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र था, जो उसको आज की डेट में दलाब घर के रूप में बदल दिया गया है, पूरा टूटा हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें जनता का अवैध कब्जा भी है। ये सरकार ने सिर्फ ध्यान नहीं दिया। यहाँ जो ड्यूटी जल की लगाई जाती थी वो ड्यूटी लोगों ने लेकिन अब योगी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। योगी जी ने सीएससी का सब ध्यान दिया। आप पहले भी इसलिए देखिए होंगे, आज भी आप देख रहे हैं उनका सुधार हो रहा है, उनका लड़वा कर रहा है, संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। गोवर्धन में आपको अभी जहाँ जो जरूरत थी एक्सरा मशीन की जरूरत थी एस एस सी वो भी खुलने जा रही है। और जो इस तरह के जो थे एएनएम में जो हम बैठे थे उनमें यहाँ जो अधिकार कर लिया, उस पर भी काम चल रहा है। सरकार ने अभी तो डॉक्टर भी हमारे पास नहीं थे, एएनएम भी नहीं थी पूरी, अभी समस्या परेशानों के हम पूरा कर सकें। सरकार ने हर जिले में माननीय योगी जी ने व्यवस्था कर दी, आपने सुना भी होगा, और जो माननीय मोदी जी ने तारीख दी है माननीय योगी जी की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो नीचे डॉक्टर ज़्यादा निकल के आएंगे, और ज़्यादा डॉक्टर निकल के आएंगे तो गाँव में ही बैठेंगे, उनकी व्यवस्था होगी। एएनएम के लिए भी नई भर्ती की जा रही है, और ये भर्ती हो जाएंगी तो वहाँ वो भी यहाँ बैठेंगी, और जहाँ जहाँ इन्होंने अध्ययन कराया उनको सबको छुड़ाया जाएगा, और जहाँ टूट गया है उसका निर्माण कराया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है आपने एक एक्स्ट्रा मशीन 10 लाख रुपए की लागत की सीएससी में लगाई थी, मगर कुछ पार्ट्स की वजह से आज तक वो चालू नहीं हो पाई है। मैंने ये बात उठाई है मीटिंग में उठाई थी, वास्तव में जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसका सदुपयोग नहीं हो, तो ये अभी उसमें जो मशीन आ गई थी उस मशीन में जिसने भेजा है उसमें कुछ हिसाब से मशीन नहीं थी, तो मशीन से बात करी है कंपनी से, कंपनी दूसरी मशीन भेजेगी। तो केवल उसका पेमेंट भी विभाग वालों ने कुछ उसका रोक रखा है, स्वास्थ्य विभाग वालों ने, मेरी बात हुई थी। वो चाहते हैं कि जो जिस हिसाब से उन्होंने मानक के हिसाब से मंगाई थी तो उस हिसाब से कंपनी नहीं भेजी है, तो वो आ जाएगी। तो वैसे तो हम तो अच्छा काम चाहते हैं, अच्छी मशीन हो, उसमें कोई और तरह का नहीं, कंपनी ही गलती की थी, और कंपनी की गलती के बारे में उसका कुछ पेमेंट भी उसका पूरा जहाँ तक विश्वास वगैरह नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि अच्छी मशीन आए जो हमारे मानक के हिसाब से हो, केवल इतनी ही बात है। जैसा कि बगल में यहाँ विद्यालय बना हुआ दिख रहा है और बच्चे छोटे छोटे स्कूल भी जाते होंगे, तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भाई साहब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गंदगियों में से होकर निकलना पड़ता है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का पैर बिगड़ जाता है, किसी का हाथ बिगड़ जाता है, कोई गिर जाता है बेचारे, रोज लगता है उसमें गंदगियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सफाई का कोई ध्यान ही नहीं है करने नगरपालिका का। जैसा कि एक और यहाँ डेंगू जैसी महामारी चली थी उसमें गंदगी को सफाई किया गया था, मगर यहाँ पर कोई सफाई नहीं दिख रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे डेंगू का वो चला था उसमें एक बार दवाई छिड़कवाई थी वो भी, और ना कि कोई सफाई करवाई। आप आगे देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसका कोई ध्यान ही नहीं है नगरपालिका का, तो कोई ध्यान ही नहीं है इसका।